Hi everyone and welcome back to yet another vlog. आज का vlog is all about unplanned trip, a trip to Shimla. तो जी बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ सुन रही थी हर किसी से कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ. तो मैं बहुत परेशान हो गई थी. मतलब फ्राइडे को मैं अपने हस्बैंड से लिटरली लड़ रही थी कि मुझे भी कहीं घूमने जाना है. बस फिर हमने उसी टाइम प्लान बनाया एंड नेक्स्ट डे की मैंने बस की टिकट्स बुक कर दी फॉर शिमला. तो इस बार हम जा रहे हैं सिटी लैंड ट्रेवल्स में. राइट नाउ हम ISBT पे खड़े थे, हम एक घंटा पहले पहुंच गए थे, इतनी ज़्यादा खुशी चढ़ी हुई थी हमें घूमने जाने की. तो अब बस आ चुकी है, हमने वहाँ पे बैग अपना सबमिट करा दिया है. एक यूजुअली हम ना लाइट कैरी कर रहे हैं बिकॉज एक या दो दिन की ट्रिप है. तो एक बैग जिसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है और थोड़ा बहुत यू नो नेसेसिटीज़ हैं और यू कैन से वो मैं अपने पास रख रही हूँ. एक हमने नीचे डिपॉजिट करा दिया है. और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बस का इंटीरियर. अंदर से कुछ बस ऐसी थी, इट वॉज़ नाइस, सीट्स वो कम्फर्टेबल, सब कुछ गुड गुड था. तो फिर थोड़ा बहुत खाते पीते अब मैं पता ही नहीं चला एक्चुअल में कि दिल्ली से हिमाचल कब आ गया. देखा, आपको पता चला, आप हिमाचल भी पहुँच गए हो हमारे साथ साथ. जस्ट किडिंग. तो या हिमाचल आ गया. और जैसे कि मैं सबसे सुन रही थी ना कि ऑलमोस्ट मैं ना जून में गई थी, लास्ट वीकेंड ऑफ जून. तो वहाँ पे बहुत भीड़ कहा जा रहा था कि बहुत भीड़ है वहाँ, बहुत भीड़ है. तो एक्चुअल में हमें पहले थोड़ा सा ट्रैफिक मिला बट उसके बाद बहुत ईज़ था, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं. आई थिंक लास्ट वीकेंड था, सबके बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले थे तो मुझे लगता है सब निकल गए थे ऑलमोस्ट. अब द थिंग इज़ यहाँ आने के बाद ना मुझे मौसम इतना प्रिटी लग रहा था, इतना प्यारा मौसम. मतलब हम तो अंदर AC में बंद थे बट द थिंग इज़ बाहर का मौसम देख के बहुत मज़ा आ रहा था. और थोड़ी टाइम में क्या हुआ, थोड़ा रेनी सीजन था ना तो हर तरफ फॉग ही फॉग थी, जस्ट फॉग ही फॉग. मतलब यू वॉन्ट इमेजिन कि मुझे नीचे खाई भी नहीं दिख रही थी कि कितना गहरा है कितना नहीं. लुक आप भी देख ही सकते हो. बस हम यही नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे. और उसी टाइम मैंने टाइम देखा, एक्चुअली हमें 7:30 बजे शिमला में उतरना था तो मैं यही टाइम देख रही थी कि अब और कितना रह गया. सो एक घंटे का ट्रैवल और है एंड वी विल बी एट शिमला. तो अभी हम ये नज़ारे देख रहे हैं और आई बिलीव थोड़ा सा हम लेट होने वाले हैं बिकॉज फॉग बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी बहुत कम है. बट ड्राइवर हैवी ड्राइवर है बॉस, क्या खींच के लेके गए ना बस. और उसके बाद हम पहुँच गए शिमला. एंड बाय द वे शिमला आने के बाद हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉग ओनली आई बिलीव. मतलब फॉग के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई रीज़न होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था इस बार. अब देती हूँ मैं आपको एक रियलिटी चेक, मतलब आपको क्या देती हूँ, मुझे मिला था एक्चुअली ना. मैं भी पहले शिमला गई हुई और मेरे हस्बैंड भी, बट हम लोग बचपन में गए थे, पेरेंट्स के साथ गए थे, बाइक कार गए थे तो इतना कुछ हमें पता नहीं चला था. बट दिस टाइम इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि हम बाइक बस गए थे. ठीक है, तो हमें बस ने ड्रॉप किया ISBT अराउंड 7:45 और वहाँ जाके हमें पता चला देर इज़ नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर हमें होटल तक जाना है ना तो हमें उनकी लोकल कैब फैसिलिटी को अवेल करना पड़ेगा, दैट टू वे टू एक्सपेंसिव. मतलब हमें ISBT शिमला से अपना होटल की तरफ कितना डिस्टेंस होगा नोनी, वहाँ पे 6 किलोमीटर्स था जस्ट. कोई ऑटो नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें उनकी लोकल कैब करनी पड़ी, दैट टू फॉर 500-600 rupees. और मैंने वहाँ पे कोई ऑटो और रिक्शा भी नहीं देखे, आपने देखे थे कोई? तो यही सारी बातें करते करते हम होटल भी पहुँच गए थे, रूम भी ले लिया और मतलब ऑलरेडी मैं बुकिंग करके गई थी. तो बस वहाँ जाके सेटल हुए एंड अब आगे. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग. वैसे ही टाइम गुड मॉर्निंग वाला नहीं है, गुड नाइट वाला टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट. रात के 10 बज गए हैं, 56 तो 9:56 तो ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं. ऑलमोस्ट लास्ट मिनट प्लान बना है, हमने सोचा कि सारे वेकेशंस में निकले जा रहे हैं, हर कोई इधर उधर भाग रहा है, हम ही रह गए हैं बस. तो हमने फटाफट से कल ही प्लान बनाया, कल ही टिकट बुक करी, आज बस पकड़ के हम आगे, जो अभी तक आप सब कुछ देख ही चुके होंगे ऑलरेडी. तो अभी हम आए इस वाले रूम में, पहले मैं आपको रूम टूर कराती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. दिस इज द मेन डोर. घुसते ही ना मतलब बहुत छोटा सा है बट इट्स नाइस, इट्स क्यूट. अगेन स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर ये है एंड दैट्स मी. ये हमारा गंदमंद है. यहाँ TV है, यहाँ पे कबर्ड है, कर्टेन्स है, मिस्टर हस्बैंड है. इतनी फेक स्माइल क्यों? एंड नाउ लेट मी शो यू वॉशरूम. इसके बाद ना हम लोग सो गए थे बिकॉज फ्राइडे की शिफ्ट लगाई हुई थी रात को एंड
सुबह से हम ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत ज़ोर से नींद आ गई थी और मैंने ज़्यादा ना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। वहाँ जाकर हम ना लिटरली डर गए थे, कर्टेन हटाए, बारिश हो रही थी बाहर, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि आज हम घूम भी पाएंगे या नहीं क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी। हम अपने रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं एंड लुक, हमारे यहाँ पे कौन है, अ विजिटर, शीरो वाले है। कितना प्यारा लग रहा है, ढेर सारे ना आज बस। और अभी हम बस उठे थे थोड़े, मतलब टाइम हो गया है, एक घंटा हो चुका है हम उठे हुए और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और अभी हम थोड़ा सा डाइसी हो रहे हैं। ओह थैंक यू सो मच, मैंने सुबह सुबह अपने लिए नींबू पानी मंगाया और ये मंगा रहे हैं अपने लिए, इन्होंने चाय मंगाई है, साथ में थोड़े से टोस्ट मंगाया। ओके सुबह के 7 बज रहे हैं और हम उठे हैं और हमने देखा बाहर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, सो कैसे जाएंगे बाहर, क्या करेंगे, नो आइडिया अभी तो। बट या अभी थोड़ा सा लेमनेड इन्जॉय करते हैं, चाय इन्जॉय करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा अगर रिकॉर्ड कर पाए तो बाहर का रिकॉर्ड करेंगे एंड जैसे टाइम मिलेगा फटाफट से नहा धो के बाहर चलेंगे घूमी घूमी करने। तो अभी चलिए इसको इन्जॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाहर बारिश अच्छे से रुक चुकी है, बहुत ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, हम भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं एंड आई थिंक इट इज़ द टाइम नाउ, फटाफट से बाहर निकलते हैं इससे पहले कि दोबारा से बारिश शुरू हो जाए। बट अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है तो सबसे पहले चलते हैं और बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं। मौसम कितना प्यारा लग रहा है यार, ठंडा ठंडा, ऊपर से माउंटेन्स, OMG। ऑल राइट जब हम आ गए हैं होटल के रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला है, सो ये नज़ारा कुछ वहाँ से था, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से भी। ऑल राइटी सो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं आज का डे हम अपना एक्सप्लोर करने दोबारा से शिमला को। बाय द वे मैंने आपको अपडेट तो दिया ही नहीं कि आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, सो लेट दस बिगिन विद। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था थोड़ा सा उपमा विच वॉज सुपर डुपर डिलिशियस, ट्रस्ट मी बहुत यमी था। इसके साथ में इन्होंने खाए थे आलू परांठे विद सम कर्ड एंड पिकल। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई कि हम रुके कहाँ थे, हम लोग रुके थे संडे फॉर एवर लॉज में विच वॉज अ आर्मी लॉज, वॉज सुपर डुपर क्लीन, सुपर डुपर अमेजिंग। उसके बाद हम लोग चले गए थे, हमारे ना होटल के आस पास में ही था दिस म्यूज़ियम, शिमला का जो म्यूज़ियम है, तो हम बाय वॉक ही चले गए थे। हम जैसे बाहर निकले वहाँ इतनी तेज़ बारिश, बाय गॉड हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं थी, अम्ब्रेला हमने फिर होटल वालों से मतलब हम जब पूछने गए ना तो उन्होंने खुद ही ऑफ़र कर दी कि आप लोग अम्ब्रेला ले जाओ रात को वापस कर देना। बस हम उनकी अम्ब्रेला लेके यहाँ पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं। लुक एट द स्लोप, बहुत नीचे जाके यूँ हमने जाना, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था और मैंने होटल यहाँ पे बुक किया, बट दैट्स नाइस। आई लुक एट द ग्रीनरी डूड, कितना प्यारा, बहुत अच्छा है, मतलब मजा आ रहा है, व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, जो रियल हिमालय है ना गाइस। आज हम रियल शिमला देख रहे हैं, अभी माल रोड से हम 20-25 मिनट दूर हैं, कम से कम भी 3-4 किलोमीटर है यहाँ से, हमें पैदल जाना है। बहुत ही अच्छी जगह है भाई, लुक एट द व्यू, वाओ। ठंड हो रही है दबा के, थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, बता चुके, देखो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब फॉग ही फॉग है एंड कैन यू इमेजिन, ये जून चल रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। आई थिंक फोन हिल रहा होगा बिकॉज आई एम गेटिंग डाउन बाय स्लोप, बहुत स्लोप है यहाँ पे, देखो हम वहाँ से कहाँ से ऊपर चढ़ के आए हैं, देखो ऐसे दिखे और यहाँ से गाड़ी आ रही है, जा रही है, ये नगर निगम है, चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, चौड़ा मैदान में, हम इस जगह का नाम है चौड़ा मैदान और ये बिल्कुल भी चौड़ा नहीं है, ये ठीक है, फॉगी फॉगी है, हम तो चौड़े होके चल रहे हैं। ऑल राइटी उसके बाद हमने ना प्लान किया कि यहाँ से माल रोड पास में ही है तो बाय वॉक चलते हैं, बट ये तो हम भूल ही गए थे कि ये हिल है, हिल स्टेशन पे हैं हम, अगर कोई चीज़ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे है मतलब उसको ऑलमोस्ट वो 4-5 किलोमीटर्स पड़ जाएगा बाय वॉक पे, तो हम थोड़ा सा चौड़े होके चल तो पड़े कि चलो हम चले जाएंगे, बट जाके बस हो गई और फिर हमने फटाफट से कैब कर ली जिन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया माल रोड पे। हाँ मिक्स है यहाँ, मतलब हमारे हिमाचल की जितनी भी आर्मी का काम चलता है, डॉक्यूमेंटों का जितना भी होता है वो शिमला में, सब यहाँ, बाकी रेजिडेंशियल बड़े बड़े मिनिस्टरों को उसको उनके लिए दिया हुआ, बॉस के लिए, आर्मी का जो भी बड़ा बड़ा है वो है,
उनके लिए बीच बीच में रहते हैं। उसके बाद भैया ने हमें ड्रॉप किया लिफ्ट एरिया में जहाँ से हमें मॉल रोड जाना था। तो यहाँ से लिफ्ट की लाइन में ये लगे हुए हैं सो दैट टिकट ले लें। यस इट इज़ अ टिकट फेयर ड्यूड, लिफ्ट के लिए टिकट लगती है यहाँ पे, बट दैट्स कूल यार, मतलब सहूलियत भी बहुत दी है उन्होंने, इतना चल के कौन जाएगा। और यहाँ पर ये टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, मैं लगी हुई हूँ लाइन में लिफ्ट की ताकि फटाफट से आएँ और फटाफट से चले जाएँ। ठीक है, यहाँ से हम उतर के, तो यहाँ पर ना दो लिफ्ट थी, एक लिफ्ट से उतरो फिर थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस फिर एक और लिफ्ट से उतरो एंड दिस इज़ दी एरिया जहाँ पे आप निकलते हो सेकेंड लिफ्ट के बाद। यहाँ से अब सीधा आप मॉल रोड पर, और बाहर बहुत बारिश हो रही थी। सो अब हम आ गए हैं मॉल रोड में और बहुत बारिश हो रही है, सबके अम्ब्रेला खुले हुए हैं, हमारा भी। क्या ओके okay, तो अब हम पहुंच गए हैं मॉल रोड। अभी ना मॉर्निंग का टाइम है तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स अभी ब्रांड्स अभी खुल रहे हैं, सब कुछ अभी खुला नहीं है। तो अभी हम आज पूरा दिन यहीं पर एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ में हम घूमने जाने वाले हैं। सब कुछ बता दूं पहले तुम्हें, है मतलब माना मैं दो दिन की ट्रिप पर आई हूं, पर एक ही दिन में थोड़ी वीडियो ख़त्म कर दूंगी, बस करो आज के लिए इतना बहुत है। अब मिलते हैं कल शाम को करेक्ट 6 बजे जहाँ पे मैं अपलोड करने वाली हूँ सेकेंड पार्ट की, हमने शिमला में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की, क्या क्या नया खाया। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो फटाफट से कर लो ताकि कल वाली वीडियो मिस ना हो जाए। एंड बाय द वे, वोरावो टेंपल, जाकू टेंपल, हनुमान जी जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं, तो वो वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं कल, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।